नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द बिहार मेल के लिए। इस बीच द बिहार मेल की टीम पटना में है और पटना में आज एक मोटरसाइकिल जुलूस है, खास तौर से जो जुब्बा सहनी वीर शहीद जुब्बा सहनी के शहादत के मौके पर जो विकासशील इंसान पार्टी है उन्होंने एक मोटरसाइकिल जुलूस का आयोजन किया है जो मिलर हाई स्कूल से चल करके और फिर वो होली मिलन समारोह में कन्वर्ट हो जाएगा, दानापुर तक जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं कुछ वीआईपी पार्टी में के शामिल पदाधिकारी गण। सर, अपना नाम पहले सबसे पहले बताओ। राजीव मिश्रा नाम है मेरे। अब क्या मकसद है इस पूरे जुलूस का? लोकसभा चुनाव में भी आप लोगों ने महागठबंधन का साथ दिया मगर महागठबंधन को अपेक्षित परिणाम नहीं मिला। इस पूरे जो कार्यक्रम है इसको विधानसभा के लिहाज से शक्ति प्रदर्शन के तौर पे देखा जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, ये जो अमर शहीद जुब्बा सहनी साहब, बिहार के बहुत बड़े शहादत जिन्होंने दिया था, 36 साल की उम्र में थी जिनको फांसी लगा दिया गया था, ये 11 मार्च को उनको फांसी लगाई गई थी, तो ये उनका शहादत का सप्ताह है। और क्योंकि ये हमारी विकासशील इंसान पार्टी निषाद समाज के लिए समर्पित है और हम आज ये फंक्शन जो है ये जागरूकता फैलाने के लिए कर रहे हैं, निषाद समाज को और बाकी लोगों को भी ये समझ में आए, बाकी जो हमारे दूसरी पार्टियां उनको समझ में आए कि हमारा समाज निषाद समाज जाग चुका है और अब उसकी पॉलिटिकल भागीदारी भी विकासशील इंसान पार्टी की ओर से होगी और हम दिनों दिन मजबूत बनेंगे। जैसे मेरी जानकारी है कि आपने जर्नलिज्म भी किया है, क्या जर्नलिज्म किया है और इस पार्टियों की ओर क्यों जर्नलिस्ट मुड़ रहे हैं इस तरीके से? ऐसा है कि बिहार में जरूरत है। हाँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, अभी भी लिखता हूँ। मैं लोकसभा टेलीविजन का सीईओ एडिटर इन चीफ था, अभी एमईटी टेलीविजन का सीईओ एडिटर इन चीफ हूँ, सैटेलाइट चैनल, डिजिटल चैनल। लेकिन और मैं बिहार से आता हूँ, बिहार के एक पॉलिटिकल फैमिली से आता हूँ और जब भी मैं यहाँ आता था मुझे ये लगता था कि यहाँ पे अब ज़रूरत है एक ऐसे लोगों की जो सच में काम करना चाहे, विकास की ओर, बिहार को विकास की ओर ले जाएं। मुकेश सहनी जी से प्रभावित मैं इसलिए हुआ कि मुकेश सहनी एक सफल व्यवसायी थे, बॉम्बे में बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे और अपने व्यवसाय के बिल्कुल उच्चतम स्तर पर थे। फिर भी जब वो वापस बिहार आके उन्होंने सोचा कि बिहार की सेवा करनी है तो वो बिल्कुल एक सीधा सीधा लक्ष्य है उनका कि बिहार को विकास की रफ्तार बिहार में देनी है। और मुझे लगा कि इस तरह की पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए जो बहुत क्लियर है, क्लैरिटी है कि बिहार का विकास हो, और इसलिए मैंने साथ उनका साथ दिया है, मैं उनके साथ आया। पिछला बिहार विधानसभा मुझे याद आता है, मुकेश सहनी बीजेपी के साथ घूम रहे थे, बीता लोकसभा चुनाव याद आता है महागठबंधन के साथ। वैचारिक जो इस धरातल पर बहुत क्लियर नहीं है मुकेश सहनी का स्टैंड, आप कैसे देखते हैं? मैंने पहले ही कहा था 2015 में भी जब मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी को सहयोग कर रहे थे तो उस समय उन्होंने निषाद समाज को काफी लोगों को टिकट दिलाने का काम किया था। उनका लक्ष्य ये था कि निषाद समाज मजबूत हो, राजनीतिक तौर पर मजबूत हो और उसमें वो सफल रहे थे। उसके बाद जब इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी अपनी बना ली आज से 1.5 साल पहले तब वो महागठबंधन में आए। लेकिन यहाँ भी लक्ष्य ये है कि हमें ये जो पार्टी है वो मजबूत हो, उसमें अब बाकी लोग भी जुड़ रहे हैं, बाकी जात के लोग भी जुड़ रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि क्लैरिटी है विकास की ओर ध्यान देना है, वो क्लैरिटी है इसलिए बाकी लोग जुड़ रहे हैं, सबको जुड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। क्या नाम है सर? मेरा नाम सर गौतम कुमार बिंद हुआ, हम युवा प्रदेश अध्यक्ष है पार्टी का। जो एक मैं जिस जगह से आता हूँ वो चैनपुर विधानसभा है बिहार के, वहाँ से जो विधायक हैं वो ब्रिजकिशोर बिंद हैं, मंत्री भी हैं। बिंद और सहनी समाज निषाद समाज के रिजर्वेशन की आप लोग खास तौर से वकालत कर रहे थे, बीते साल आपने एक बड़ी रैली भी की थी गांधी मैदान में जिसके बाद से विकासशील इंसान पार्टी भी आप लोगों ने फॉर्म की। अब आरक्षण का मसला बहुत उलझा हुआ नहीं है, कैसे हासिल होगा? देखिए, आरक्षण का मसला हम लोगों का विशेष करके आरक्षण का मसला में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोगों के समाज को बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, बहुत सा राज्य में आरक्षण है, तो फिर बिहार में क्यों नहीं? जब हम ही हमारा ही एक भाई इसी इंडिया में है, सिर्फ राज दूसरा हो जाने से हम लोगों का जो स्थिति है वो तो नहीं सुधर जाती है और सरकार को इसमें सिर्फ अपने हुट्ठी के चलते हम लोगों को आरक्षण नहीं दे रहा है, इसलिए नहीं दे रहा है कि ये समाज आगे बढ़ेगा, देश का विकास होगा। अभी जो देश की स्थिति है सिर्फ जाति धर्म के आधार पर सरकार जो है गुमराह कर रही है लोगों को। आप लोग ओबीसी कैटेगरी में तो आते हैं? हाँ, ओबीसी में आते हैं, लेकिन हम लोग ओबीसी में रहते हुए भी ओबीसी में आज हमारे बिहार में बहुत सी सारी जातियाँ को शामिल कर दिया गया, लेकिन ओबीसी का जो कोटा है वो सीमित है, उसको भी बढ़ाना चाहिए। और हम लोग बीसी वन में आते हैं तो बीसी वन के लिए
जो कोटा है उसमें आप तेली समाज को जोड़ दिया है। अभी हम आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर किए हैं जिसमें स्पष्ट हम लोग दिखाए हैं मांग के सरकार के किया हुआ कार्यकलाप से भी रिजल्ट देख लीजिए कि आज तेली साहू समाज अति पिछड़ा में आके हम लोगों का आरक्षण को मार रहे हैं। आज रिजल्ट अगर 124 को रिजल्ट हुआ है उसमें एक सिर्फ 100 जाति के लोगों का उसमें 60% रिजल्ट है, तो ये तो हम लोगों का। और वो सब दिन बनिया समाज साहू समाज सब दिन सुखी संपन्न रहा, फिर भी उसको ओबीसी में दे दिया। तो हम लोग तो चाहेंगे कि हमारा समाज पहले से भी दूसरे राज्यों में एससी का दर्जा है, कहीं एसटी का दर्जा है, तो हम लोगों का मांग जायज है और हम लोगों को मांग को मानने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। केंद्र सरकार के पास गई, आज बिहार सरकार 15 में हम लोगों को अनुशंसा की, उसके बाद केंद्र सरकार से गया, केंद्र सरकार फिर अति एथनोग्राफी रिपोर्ट मांगी, एथनोग्राफी रिपोर्ट मांगने के बाद फिर केंद्र सरकार के पास गई। बिहार सरकार ये मानती है कि इस समाज को निषाद समाज में जो 22 कुड़ी है बिंद बेलदार नुनिया मल्ला चौहान सन्नी केवट इसको ये आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी लटका के रखा सिर्फ वोट बैंक के चलते। और वो आज हम लोग राजनीतिक दल इसलिए बनाए संघ के बाद गांधी मैदान में 18 को रैली किए थे, वो भी एक इतिहास रहा। और आज भी ये जो कार्यक्रम है, हम लोग भले एक राजनीतिक दल बना लिए, हम जान रहे हैं कि जो सत्ता में बैठी सरकार अगर वो हम लोगों का मांग नहीं मान रहा है तो हम लोगों को भी राजनीतिक सत्ता में भागीदारी लेनी पड़ेगी, तब वो काम हम लोग खुद अपने से भी कर सकते हैं। आपके समाज के ब्रजकिशोर बिंद हैं और अभी मंत्री भी हैं वो खासतौर से, उनको भी कोई संदेश देना चाहेंगे? मैंने उनसे बात की थी इस मसले पर, खासतौर से जब आरक्षण वाला मसला और आप लोग रैली कर रहे थे, बोले ये संभव नहीं है इस तरीके से, जिस तरीके से ये लोग मांग उठा रहे हैं और ये अपनी कम्युनिटी को बरगलाने का काम कर रहे हैं। ब्रज किशोर बिंद जी ऐसा बोल ही नहीं सकते हैं, भले वो अभी बीजेपी का विधायक हैं, उनको विधायक बन के रह के अपना जिंदगी वो सुखमय काट सकते हैं, उनको क्या पता कि मंत्री को जो फैसिलिटी मिलती है, उनको क्या पता है कि जो झोपड़ी में रहता है बरसात के दिनों में कैसे रहता है, उसको तो नहीं पता है ना। उनको धनाढ्य परिवार से तो नहीं आते, धनाढ्य परिवार के नहीं है। आज से कुछ दिन पहले ब्रज किशोर बिंद जी भी आरक्षण का मांग करते थे और अभी भी नुनिया बिंद बेलदार संघ मल्ला करके कार्यक्रम करते हैं, तो वहाँ वो जाते हैं और कहते हैं कि हम सरकार से मांग रखेंगे। सरकार जो जिस पार्टी में उसकी सरकार है वहाँ वो भाड़े के लोग बन के रह गए, ठीक उन्हीं के अनुसार से वो काम करेंगे। अब हम लोग उनसे भी रिक्वेस्ट किए, अब हम लोगों का अपना घर हो गया है, अपने घर में आइए मजबूती के साथ। भले हम लोगों को आरक्षण लेने में देर होगी, अभी 2 साल में नहीं हो सकता है, लेकिन जिस दिन हमारे समाज का बेटा मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनेगा, लोकसभा में जाएगा, हमारा आरक्षण होगा और हम लोग आरक्षण लेके रहेंगे। हम लोग आरक्षण लेके रहेंगे। क्या नाम है सर? कहाँ से? प्रसाद जी, जहानाबाद। जहानाबाद, हाँ। क्या मसला है? मसला क्या है? आरक्षण का तो मसला बहुत उलझा हुआ है, आज किस मौके पर आए हैं? आज हम लोग आए हैं अमर शहीद जुब्बा साहनी की शहादत दिवस पर पहुंचे हुए हैं। अच्छा, मैं आज सुबह ही जब जुब्बा साहनी सर्च कर रहे थे, खबर मैंने पढ़ी कि जुब्बा साहनी के परिवार का ख्याल नहीं रखते हैं, खाली जुब्बा साहनी के नाम पर राजनीति और वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। जुब्बा साहनी का परिवार जो है बहुत उपेक्षित है, उसके घर के लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं है, इलाज कराने के पैसे नहीं। ना ना, बिल्कुल गलत है। हम लोग जुब्बा साहनी के परिवार हैं और उसी को शहादत दिवस मना रहे हैं। हम लोग जहानाबाद जिला से आए हैं। जहानाबाद जिला से कितना लोग आया है? जहानाबाद जिला से लगभग हम लोग 300 से 350 मोटरसाइकिल आए हम लोग, और हम लोग जुब्बा साहनी के शहादत दिवस पर हम लोग आए हैं और इनके शहादत में हम लोग अपना एक एकजुटता दिखाने आए हैं और समाज के बीच हम लोग मैसेज देने का काम करेंगे, इस समाज को उठाने का काम करेंगे। और जो 2-4 विधायक बैठे हुए हैं बीजेपी के या जेडीयू का, वो कुछ करने वाले नहीं है, सिर्फ अपना रोटी सेकने के लिए बैठे हुए हैं अपने सत्ता में। जब तक हम लोग का समाज, हम अपने आज पार्टी के बैनर तले लड़कर, चुनाव लड़कर और एकत्र होकर विधायक बनेंगे, एमएलसी बनेंगे और एमपी बनेंगे, और आने वाले समय में हम लोग अपने आप से मजबूती होकर और लेंगे, हम लोग आरक्षण को छीनेंगे। लोकसभा चुनाव में तो कोई कवायद नहीं चल पाई, आप लोगों की गड़बड़ा गया लोकसभा चुनाव में कवायद नहीं चल पाया, हो सकता है ईवीएम के चलते। आज देखिए हम लोग जहानाबाद जिला में हम लोग 975 वोट से लोकसभा में हारे, कोई मुखिया का चुनाव नहीं होता 975 वोट से हारने वाला। हाँ, इधर मानेगा 2-3 लाख वोट से हारा तो लोकसभा चुनाव का हार सकता है, लेकिन हमारे जहानाबाद लोकसभा में मात्र 975 वोट से हारे। क्या मुखिया का चुनाव था? क्या विधायक का चुनाव था? ये लोकसभा का चुनाव था। 6 विधानसभा मिलकर एक लोकसभा तैयार होते, उस लोकसभा में 975 वोट से हम लोग हारे। क्यों हारे 975 वोट से? वहाँ पे मिली भगत से
5:30 बजे सुरेंद्र यादव जी को जीत तय कर दिया गया था। उसके बाद भी सरकार के मजबूती के कारण आज जदयू का सरकार है और सरकार उसको दबाव बनाकर लोकसभा में जीत दिलवा दिया चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को। ठीक है, तो ये खासतौर से हमने ये बात की अभी खासतौर से जुब्बा साहनी वीर शहीद जुब्बा साहनी स्वतंत्रता सेनानी जुब्बा साहनी की शहादत के मौके पर यहाँ VIP विकासशील इंसान पार्टी ने एक मोटरसाइकिल जुलूस खासतौर से मिलर हाई स्कूल बिहार मेल के लिए। मैं विष्णु नारायण, बहुत धन्यवाद।